लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिनवू ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और अब वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनवू चारों तरफ से उन जाइंट मैजिकल बीस्ट से घिरा हुआ है। मरने से पहले मन में सोचता है कि काश मुझे एक लास्ट चांस मिला होता, और तभी अचानक से घबरा कर वो उठ जाता है। देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और जिंदा है, और इतना ही नहीं डंजन में जो उसके हाथ और पैर कट गए थे वो भी सही सलामत है। उसकी सारी इंजरी हील हो चुकी है, ऐसे जैसे कि उससे कुछ हुआ ही ना हो। देखकर वो सोचने लगता है कि यार ये एक सपना तो नहीं था। तभी वहाँ पर हंटर्स एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वांग चिंगचुल अपने असिस्टेंट कैंग के साथ जिनवू से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि पिछले 3 दिनों से तुम बेहोश हो, तुम्हारे लीडर सोंग च्यूल ने अपने एक हाथ को इस मिशन में गवा दिया है, जिसकी वजह से शायद अब वो हंटर की जॉब से रिटायर कर जाए। और बात रही जूही की, तो इस इंसिडेंट से उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, शायद वो भी अपने हंटर की जॉब को आगे ना करे। वो आगे उसे बताता है कि इस डबल डंजन में जितने भी लोग गए थे उनमें से अब सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचकर वापस आए हैं। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उस डंजन में बचे हुए लोगों ने जब हंटर्स एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया तो हंटर्स की एक टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजी गई, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों को ना ही तो डंजन के अंदर कोई टेम्पल मिला और ना ही वो जायंट मैजिकल बीस्ट जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। वो सिर्फ एक नॉर्मल डंजन की तरह था जहाँ पर सिर्फ तुम अकेले बेहोश पड़े थे। जिनवू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैनेजर उसे बताता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी टीम के ऊपर पूरा उठ जा सकता है, लेकिन सभी बचे हुए लोगों की रिपोर्ट एक जैसी है और डंजन में जितने भी लोगों की जान गई उनके कुछ रेमेंट्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे हो। पर जिनवू, तुम इतनी डेंजरस सिचुएशन में वहाँ से बिना भागे तुम आखिर सर्वाइव कैसे कर पाए? क्या तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस तो नहीं कर ली? और यहाँ हमें ये बताया जाता है कि एक ह्यूमन की बॉडी में स्पेशल पावर्स जब पहली बार जागती है यानी कि अवेकन होती है तो उस पावर का लेवल फिक्स होता है, वो कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाता। पर कुछ रेयर केस में ये पावर्स सेकंड टाइम दोबारा जग सकती है, जिसे सेकंड अवेकनिंग कहा जाता है। सेकंड अवेकनिंग के बाद उस हंटर का पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि रैंक ए या इवन रैंक एस को भी क्रॉस कर सकता है। जिनवू ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, थिंकिंग कि शायद उसकी सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है। वो लोग अपने साथ पावर लेवल मेजर करने के लिए एक डिवाइस अपने साथ लेकर आए थे। जिनवू को कहते हैं कि अपना हाथ इस पर रख लो ताकि तुम्हारा पावर लेवल मेजर किया जा सके। इस दौरान मैनेजर अपने मन में सोचता है कि अगर वहाँ सच में इतना पावरफुल बीस्ट था जो एक झटके में उन लोगों को मार रहा था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिनवू जैसा लो रैंक हंटर वहाँ सर्वाइव कर पाए और इतने डेडली बीस्ट को खत्म कर दे कि वहाँ उसका कोई नामो निशान भी ना बचे। ये तो सिर्फ कोई एस रैंक हंटर ही कर सकता है। मुझे लगता है कि शायद जिनवू ने अपनी सेकंड अवेकनिंग अचीव कर ली है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि जिनवू के पावर मीटर पर सिर्फ 10 स्कोर आता है। जिनवू पूरे एक्साइटमेंट में पूछता है कि मेरा स्कोर क्या है, क्या मुझे न्यू पावर्स मिल गई हैं? स्कोर देखकर मैनेजर जिनवू को कहता है कि सॉरी, शायद हमें कोई गलतफहमी हुई थी, तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग का ऐसा कोई साइन नहीं मिला है। बाहर निकलते हुए वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यार ई रैंक के हंटर का बेसिक स्कोर ही 70 होता है, जिनवू का स्कोर तो 10 है। देखा जाए तो जिनवू एक हंटर नहीं बल्कि एक नॉर्मल सिविलियन है। आगे हम देखते हैं कि जिनवू अपने स्कोर से बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट था, पर मन में सोचता है कि इन लोगों ने मुझसे स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। और तभी हम देखते हैं कि जिनवू के सामने हवा में एक स्क्रीन लटक रही होती है जिस पर न्यू मैसेज के नोटिफिकेशन आए होते हैं। जिनवू सोचता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ उसी को दिख रही होती है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता। वो मन में सोचता है कि यार अगर ये टच करने से नहीं चल रहा है तो फिर ये कैसे चलेगा। तभी उसे याद आता है कि डंजन में भी एक ऐसी स्क्रीन उसके सामने आई थी जिस पर उसने प्लेयर बनने के ऑप्शन को चूज किया था। नेक्स्ट हॉस्पिटल में जिनवू की बहन जीना उससे मिलने आती है। जिनवू की हालत देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, उसे वार्निंग देती है कि अगर नेक्स्ट टाइम एक और बार ऐसा हुआ तो मैं अपने स्कूल छोड़ दूंगी और कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें ये डेंजरस हंटर वाली जॉब ना करनी पड़े। जिनवू उससे माफी मांगता है और स्क्रीन की तरफ पॉइंट करता है कि जीना क्या तुम ये देख पा रही हो। जीना वॉज लाइक कि क्या देख पा रही हूँ। जिनवू को यहाँ रियलाइज होता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ उसी को दिख रही है, बट ऑल्सो उसे टच करके यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो वो जीना से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, किसी वीडियो गेम में अगर हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आए तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं। जीना वॉज लाइक सिंपल, जस्ट ओपन द बॉक्स। जिनवू ये सुनते ही ओपन द बॉक्स बोलता है, तभी उसे स्क्रीन में जिनवू की वॉइस कमांड से वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है
जिसमें एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके न्यू टास्क असाइन होता है। यहाँ जिना जिनवू को सही सलामत देखकर काफी रिलीव्ड होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिनवू स्क्रीन पर मिले सारे नोटिफिकेशन को ओपन करना शुरू करता है। वहाँ लिखा होता है कि ये पूरा सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है और अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे और अगर फॉलो नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। तुम्हें एक रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका है। जिनवू इन सब के बारे में सोचकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पाता कि आखिर ये है क्या। तभी वो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को देखता है जिस पर लिखा था डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। ओपन करता है तो उसे आज के दिन में अचीव किए जाने वाले गोल्स की एक लिस्ट मिलती है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। और वहाँ वार्निंग भी लिखी होती है कि इस टास्क को कंप्लीट ना करने पर उसे पेनल्टी भी मिलेगी और साथ ही वहाँ पर एक टाइमर चल रहा होता है। जिनवू सबको सीरियस नहीं लेता है, सोचता है कि यार मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैनेजर चेयरमैन गो को फोन करके जिनवू के बारे में अपडेट करता है कि सर जिनवू की सेकंड अवेकनिंग के कोई भी नामो निशान नहीं। चेयरमैन फोन पर सोचता है कि स्ट्रेंज, पर चलो हम लकी हैं, कम से कम डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ। डंजन से रिलेटेड अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो सॉल्व होना बाकी हैं। एक काम करो, तुम इसे एक स्पेशल केस कैटेगरी में अपडेट कर दो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हमारे काम जरूर आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कमांडर चोई मिस चा को बुलाता है और रैंक बी के एक मिशन को लीड करने के लिए कहता है। ये मिशन जूनियर हंटर्स के लिए एक तरह की ट्रेनिंग की तरह है। चोई चाहता है कि वो लोग मिस चा के सुपरविजन के अंडर अपने कॉम्बैट स्किल्स को और भी अपडेट कर लें। इनिशियली चा थोड़ी हेजिटेंट होती है कि यार मैं कैसे लीड कर सकती हूँ, पर बाद में वो मेंटोर बनने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि ये गिल्ड वैसे तो कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स के अंदर आता है पर इंटरनेशनल लेवल पर काफी पीछे है। कमांडर चोई चाहता है कि ये हंटर्स मिस चा के अंडर ट्रेनिंग लेकर और भी बेटर बन जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अचानक से एक पोर्टल बीच रास्ते में ओपन हो जाता है और सेम टाइम उधर हॉस्पिटल में जिनवू की स्क्रीन पर उसे पेनल्टी टास्क असाइन होता है क्योंकि उसने आज का क्वेस्ट, आज की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की थी। तभी जिनवू की अचानक से नींद खुलती है और उसे लगता है कि यार कहीं अर्थक्वेक आया है क्या। और अगले ही मोमेंट जिनवू एक डेजर्ट के बीच में होता है, सोचता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैं हॉस्पिटल में था और अचानक वहाँ उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है। ये उसका पेनल्टी टास्क था, यहाँ उसे 4 घंटे बस किसी तरह सर्वाइव करना है। सेम मोमेंट हॉस्पिटल में जब नर्स जिनवू के रूम में जाती है तो वो देखती है कि जिनवू तो रूम से गायब है। उधर जिनवू को भागते भागते 2 घंटे हो चुके थे, उसे अगले 2 घंटे और सर्वाइव करना था। वो नर्सें भी पूरे हॉस्पिटल में जिनवू को ढूंढना शुरू कर देती हैं। फाइनली 4 घंटे कंप्लीट होते हैं और जिनवू अपना सारा सर्वाइवल टास्क क्लियर करने में कामयाब हो चुका था एंड एज अ रिजल्ट वो हॉस्पिटल में वापस पहुंच जाता है। यहां हम देखते हैं कि पेनल्टी टास्क फिनिश करने पर जिनवू को एज अ रिवॉर्ड कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिनवू अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा है और उसे इन्फॉर्म कर रहा होता है कि वो पहले से काफी बेटर फील कर रहा है। वो फोन रखते ही अपने डेली क्वेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जूही के पास मैनेजमेंट का एक कॉल आता है। वो उसे डी रैंक के डंजन के मिशन पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ये डंजन अचानक अपीयर हो गया, बाकी हंटर्स कहीं और बिजी हैं, पॉसिबल हो तो तुम चली जाओ। जूही बहुत ज्यादा ही ट्रॉमाटाइज थी तो वो उससे ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, हम समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है। बाय द वे एक गुड न्यूज है, जिनवू को होश आ गया है। ये सुनते ही जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जिनवू से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है। वो देखती है कि जिनवू तो नीचे वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ खड़ी 2 नर्सें भी आपस में बात कर रही होती हैं कि हमें पता है कि हंटर्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं पर ये लड़का इतनी कमजोरी के बाद भी 4 दिन से वर्कआउट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जिनवू ने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने डेली क्विस्ट को पूरा कर लिया है। यहाँ उसे अब यकीन हो जाता है कि ये सब वो इमेजिन नहीं कर रहा है, सच में उसके साथ इन रियल लाइफ एक गेम की तरह चीजें हो रही हैं। ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद उसे एज अ रिवॉर्ड 3 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 फुल रिकवरी, जिसे इंस्टेंट इतने हार्ड वर्कआउट के बाद उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। नंबर 2 एबिलिटी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स एंड लास्ट एक रैंडम लूट बॉक्स, जिनवू ये तीनों एबिलिटी पॉइंट्स को अपने हिसाब से किसी भी एबिलिटी को एनहांस करने में यूज कर सकता है, फिर चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, इंटेलेक्ट हो, वाइटल्स हो या कुछ और। जिनवू इस बार तीनों पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में लगा देता है। कुछ देर बाद उसे लूट बॉक्स मिलता है जिसमें इस बार उसे सरप्राइजिंगली की मिलती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम
लूट बॉक्स में उसे बहुत बेसिक सी चीजें, कभी पेंसिल कभी बैंडेजेस ऐसे ओपन हुई थी। तो होता यह है कि चाबी से जिनवू एक इंस्टेंट डंजन में टेलीपोर्ट हो सकता है, जिसका एक्सेस वो सबवे स्टेशन के एग्जिट 3 से कर सकता है। जिनवू सोचता है कि यार ये इंस्टेंट डंजन क्या है, अब तक जो भी मुझे पता चला है शायद ये एक इवेंट लग रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ द गेम। आगे हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है कि कुछ जगहों पर अचानक से न्यू पोर्टल्स न्यू गेट्स ओपन हो गए हैं और जल्दी ही हंटर्स इन्हें क्लियर भी कर देंगे, पर तब तक उन लोकेशंस पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिनवू अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है कि आखिर उसकी मॉम को हुआ क्या था। एक दिन अचानक उसकी मॉम बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये एक रेयर बीमारी है जिसे इंटरनल स्लीप कहा जाता है। 10,000 में से किसी एक को ये बीमारी होती है जिसमें इंसान काइंड ऑफ अ कॉमा स्टेट में चला जाता है। ये बीमारी पोर्टल खुलने के बाद एक्सेस माना क्रिस्टल के एक्सपोजर से होती है, बट अभी भी इसके बारे में रिसर्च चल रही है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जिनवू की अवेकनिंग हुई और उसने हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो अपनी मॉम के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता था, पर अपने मिशन पर जाते ही उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा वीक है। ई रैंक में भी सबसे वीकेस्ट हंटर है, जिसकी वजह से दूसरे हंटर्स हमेशा उसे क्रिटिसाइज करते और उसे नीचा दिखाते, पर जिनवू ने अपनी इस वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। वो हमेशा एक स्माइल के साथ उनसे माफी मांगता और आगे बढ़ जाता। प्रेजेंट में जिनवू को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं और वो सोचता है कि अब जो भी हो जाए मैं कमजोर नहीं रहूंगा, जिसके चलते डेली क्विस्ट से मिले हुए सारे एबिलिटी पॉइंट्स वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जिनवू अब सबवे स्टेशन के बाहर था। सोचता है कि इस बार अगर कोई भी खतरा हुआ तो मैं भाग निकलूंगा। लूट बॉक्स से मिली चाबी जैसे वो निकालता है उसके सामने अपने आप एक की होल अपीयर हो जाता है। वो गेट अनलॉक करके जैसे ही अंदर जाता है उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था आप एक इंस्टेंट डंजन में एंटर हो चुके हैं, और तभी अचानक वो एग्जिट सील हो जाती है। पर शॉकिंगली हम देखते हैं कि जिनवू की आंखों के सामने एक लड़की स्टेशन से बाहर जा रही होती है, पर जिनवू बाहर नहीं जा पाता। वो रियलाइज करता है कि वो सब स्टेशन के एक दूसरे डायमेंशन में आ चुका है। ऑल्सो ये इंस्टेंट डंजन बाकी डंजन जैसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ से भाग कर वापिस नहीं जा सकते। इनफैक्ट यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ के बॉस को खत्म करो या टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करो। जिनवू को समझ नहीं आता कि यार ये टेलीपोर्टेशन स्टोन है क्या। वो सोचता है कि अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, बॉस को मार कर ही मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। वो मन में सोचता है कि यार ई रैंक की बीस्ट को तो मैं मार नहीं पाया था, अकेले बॉस को कैसे खत्म कर पाऊंगा। जो भी हो अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। वो जैसे ही नीचे पहुंचता है उसका सामना 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर से होता है। इनिशियली जिनवू उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पास्ट में ऐसे एक मॉन्स्टर ने उसको घायल कर दिया था। आउट ऑफ फियर जिनवू उन्हें सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है, उन पर अटैक नहीं करता। ऐसे में होता ये है कि जिनवू बाल बाल बचता है और तभी वो तहश में आकर एक गॉब्लिन पर अपना पहला अटैक करता है और सरप्राइजली उस गॉब्लिन को जान से मार देता है। ऐसे में जिनवू के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो एक के बाद एक उन दोनों गॉब्लिन को भी मार देता है। जिनवू को रियलाइज होता है कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि तभी अचानक वो देखता है कि उसके पीछे एक वुल्फ आ चुका था, जो आते ही सबसे पहले जिनवू के नाइफ को तोड़ देता है। जिनवू सेंस कर पाता है कि ये वुल्फ उन गॉब्लिन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये रियलाइज होते ही अचानक जिनवू के पैर कपकपाने लगते हैं, उसे वो टेम्पल वो स्टेचू उन सब के फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो एकदम से डर जाता है कि यार मुझे पता नहीं था कि उस हादसे का मुझ पर भी इतना गहरा असर हुआ है। उतने में ही वो वुल्फ भाग कर जिनवू की तरफ आता है। जिनवू हल्का सा शिफ्ट होता है जिसकी वजह से उसकी गाल पर चोट लग जाती है। यहाँ जिनवू को रियलाइज होता है कि आज जूही यानी कि वो हीलर उसके साथ नहीं है, मतलब वो किसी भी कीमत पर घायल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। उतने में ही वो वुल्फ एक बार और जिनवू की तरफ भाग कर आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो ये थी सोलो लेवलिंग एनिमे सीजन 1 एपिसोड 3 की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताना। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर एनिमे एडवेंचर्स एंड रिमेंबर स्टे हीरोइक स्टे ऑसम। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।